ऑल राइट, सो रेवेन्यू डेफिसिट की इम्प्लीकेशन क्या है? पहली इम्प्लीकेशन मैंने आपको बता दी, इट शोज द गवर्नमेंट इन एबिलिटी टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है वो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। ओके, नाउ दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट बाय डिस्टर्बिंग इट्स कैपिटल बजट। देखो ये क्या सिचुएशन है बेटे, आपका खर्चा ज्यादा है आपकी इनकम कम है। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, आपके पास आए कितने 2000 रुपए, आप 2200 कैसे खर्च दोगे, उधार लोगे? गवर्नमेंट भी ऐसे ही सोचेगी, बोरो कर लेते हैं, और कोई तरीका, एनी अदर वे। अपने एसेट्स बेच सकती है गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट हैज टू वेज टू फाइनेंस दिस डेफिसिट, वन बाय टेकिंग बोरोइंग्स, एनदर बाय सेलिंग ऑफ इट्स एसेट्स। इन बोथ दी केसेस अगर गवर्नमेंट बोरोइंग्स करती है तो इसके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, अगर गवर्नमेंट अपने एसेट्स बेचती है तो इसके एसेट्स कम हो जाते हैं, यानी इन बोथ दी सिचुएशन गवर्नमेंट का कैपिटल बजट डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। रिसीट्स तो आ गई, ये दोनों कैपिटल रिसीट्स हैं, बट दिस इज अ डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। रिसीट तो आ गई, गवर्नमेंट की इनकम तो बढ़ गई, लेकिन देखो तो सही कैसे बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, बाय डिस्टर्बिंग इट्स कैपिटल बजट। तो जब गवर्नमेंट का कैपिटल बजट डिस्टर्ब होता है, इसका मतलब या तो गवर्नमेंट की ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है या गवर्नमेंट का एसेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। इमेजिन योर हाउस होल्ड कि योर पेरेंट्स इनकम इज इनसफिशियंट टू मीट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ हाउस होल्ड। बिजली का बिल देने के लिए या राशन लाने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, तो ये सोचा गया या तो उधार ले लेते हैं किसी फ्रेंड से या घर में एक एक्टिवा पड़ा है उसको बेच देते हैं। इन दोनों सिचुएशन में बेटे, एक सिचुएशन में आपकी बोरोइंग क्रिएट हो गई, दूसरे में आपका एसेट रिड्यूस हो गया, यानी इन दोनों सिचुएशन में आपका कैपिटल बजट डिस्टर्ब हो गया, राइट। सो इज इट अ गुड थिंग? नो, बट दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू। जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट आता है, बजट में रेवेन्यू डेफिसिट शो कर रहा है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है? एक ये इम्प्लाई करता है कि गवर्नमेंट की इनएबिलिटी है, गवर्नमेंट इज अनएबल टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर ऑन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। दूसरा ये शो करती है कि ये डेफिसिट कैपिटल बजट को डिस्टर्ब करके ऑफसेट हो सकता है, यानी इसके लिए या तो गवर्नमेंट को बोरोइंग्स लेनी पड़ेंगी या गवर्नमेंट को अपने एसेट्स जो हैं बेचने पड़ेंगे। अच्छा, अब इससे क्या होगा, अगर ये गवर्नमेंट बोरोइंग्स लेती है और इसके इससे जो खर्चा कर रही है वो देखो रेवेन्यू नेचर का ही खर्चा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है ना, तो ये बोरो करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होगा। इंटरेस्ट पे कर रही है, वेजेस पे कर रही है, सब्सिडीज दे रही है, ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, यानी इससे कोई इनकम नहीं जनरेट होने वाली, तो इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस आ जाएंगी। अगर तो डेट को यूज किया जाए कैपिटल एसेट्स को क्रिएट करने में, बिल्डिंग बनाई, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया, अगर ऐसी चीजों के ऊपर खर्चा किया जाएगा तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, ग्रो करेगी इकोनॉमी। लेकिन यहाँ पे तो हम किस लिए पे कर रहे हैं, अरे इम्प्लॉयज की सैलरी पेंडिंग पड़ी थी वो दे रहे हैं बोरो करके, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस आ सकती हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू रिड्यूस दिस, इसका मतलब रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना,
तो कैसे रिड्यूस करेंगे, व्हाट आर दी मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। बेटे देखो खर्चा ज्यादा है रिसीट्स कम है, तो यहां तो खर्चा कम कर लो या रिसीट्स बढ़ा लो, दो ही तरीके है ना आपके पास। खर्चा कम करना चाहिए नॉन डेवलपमेंटल जो एक्सपेंडिचर है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को नहीं कम करना जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। आप देखते हो वीआईपी को हम जेड सिक्योरिटी देते हैं, वो क्या है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। एक मिनिस्टर जा रहा है उसके पीछे 10 कारों का कारवां जा रहा है, वो क्या है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, उसको रिड्यूस करो। ठीक है, फिर रिसीट्स कैसे बढ़ाई जाए, रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती है, टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। तो बेटे टैक्स रिसीट्स कैसे बढ़ाओगे, कैन यू इंक्रीज टैक्स रिसीट्स, यस। आपकी टैक्सेबल कैपेसिटी है 100 रुपए, मैं आपको बोलूं कि मैं 120 रुपए दो, दे दोगे, देयर विल बी प्रोटेस्ट। टैक्स जो होता है इट शुड ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू द टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ द पीपल, बिना सोचे समझे। इंडिया में तो ऑलरेडी बेटे हमारे ऊपर जो टैक्सेस ऑलरेडी लग रहे हैं वो हमारी टैक्सेबल कैपेसिटी से ज्यादा है। हम जब कमाते हैं तब भी टैक्स देते हैं, जब खर्चते हैं तब भी टैक्स देते हैं। दुबई जैसी जो कंट्रीज है ना, दुबई सऊदी अरेबिया, यहाँ पर सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जब खर्चते हो तब टैक्स पे करते हो। सो सी दैट्स अ गुड थिंग, हमारे ऊपर तो डबल डबल टैक्स पड़ रहा है। तो ऐसी कंट्री में या कोई भी कंट्री में टैक्सेबल कैपेसिटी लोगों की ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, तो क्या आपको करना चाहिए, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जैसे कि सब्सिडीज के ऊपर खर्चा हो रहा है या नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, उसको कर्टेल करना चाहिए, कर्टेल मतलब कम करना चाहिए। और रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ा सकते हैं लेकिन टैक्सेबल कैपेसिटी को ध्यान में रखकर। अब गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्टली एक्ट किया, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू टैक्सेस। ठीक है, नए टैक्सेस, जैसे जब सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था उससे पहले सर्विसेज के ऊपर टैक्स ही नहीं होता था। सो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड सर्विस टैक्स, मतलब जब भी आप कोई सर्विस अवेल करते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, है ना, पहले कोई टैक्स नहीं होता था उनके ऊपर। आप अगर एक सैलून में जाते हो, हेयर कट के लिए जाते हो, पार्लर में जाते हो, मेकअप के लिए जाते हो, बुटीक में जाते हो अपना स्टिच कराने के लिए, आजकल जो भी बिल काट के जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं वो जो बिल काट के देते हैं उसमें टैक्स लगाते हैं, सो दैट इज अ सर्विस टैक्स। अब तो गवर्नमेंट ने उसको जीएसटी के परव्यू में कर दिया है। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की इनकम बढ़ाओ, रेवेन्यू रिसीट पब्लिक सेक्टर के सरप्लस से भी तो आती है ना, नॉन टैक्स रिसीट वो बढ़ाओ। ठीक है ना, उसके ऊपर फोकस करो। सो दीज आर द मेजर्स हाउ वी कैन रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ बजेटरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। अब इसके लिए मुझे आपको एक बजट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ओके, हियर इज द रेवेन्यू बजट विच कंप्राइजेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सो लेट्स से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर इज एस्टिमेटेड टू बी 500 रुपीज, एंड रेवेन्यू रिसीट्स टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 150 रुपीज। Here we can see the difference of 350 rupees, which is revenue deficit. Got it? Now, the government also makes its capital budget. So, government has estimated that the expenditure on plant and machinery, land and building, purchase of shares, aircrafts, etc., will amount to rupees 1500 crore rupees for the next financial year. And government is estimating that it will be able to generate 100 crore rupees from recovery of loan and 450 crore rupees from disinvestment. Yes, government ko aur kahin se receipts nahi aani.
सो अगर इतनी ही टोटल रिसीट्स हैं और खर्चा है 2000, रिसीट्स हो गई 700 करोड़, तो 1300 रुपए का क्या है? डेफिसिट है, 1300 करोड़ का डेफिसिट है, घाटा है, शॉर्टफॉल है। इसको क्या कहेंगे? फिस्कल डेफिसिट। ये जो डेफिसिट शो हो रहा है, जो सिर्फ रेवेन्यू बजट में शो हो रहा था, वो क्या है? वो क्या था? रेवेन्यू डेफिसिट बेटे। अगर सिर्फ रेवेन्यू बजट को कंसिडर करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ये क्या आ गया? रेवेन्यू डेफिसिट। अगर पूरे बजट को देखा तो जो डेफिसिट शो हुआ वो क्या हुआ? तो हाउ टू डिफाइन फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। क्योंकि जब हमने स्ट्रक्चर किया बजट का, तब मैंने बोरोइंग्स एज ए पार्ट ऑफ बजट दिखाई थी, लेकिन बोरोइंग्स की फिगर कैसे आएगी? टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे, टोटल रिसीट्स देखेंगे, उनका डिफरेंस क्या आया? 700। 700 को कैसे मीट करेंगे? कैसे मीट करेंगे? बोरोइंग्स से मीट करेंगे। हाउ टू ऑफसेट दिस डेफिसिट? आपने अपने घर का बजट बनाया अगले साल का, आपने कहा कि भाई इतना हमारा घर का बिजली का बिल आना, इतना पेट्रोल का, इतना मेड का खर्चा, इतनी मेरी फीस जानी है, ठीक है? और फिर बोला कि आप इतने की हमने कार लेनी है, इतने का हमने प्लॉट लेना है, आपने बना लिया एस्टीमेट, वो एस्टीमेट आया 15 लाख रुपए। अब आपने देखा, अच्छा पापा की सैलरी इतनी, मम्मा की सैलरी इतनी, ठीक है? फिर आपने कहा कि अच्छा मैंने उस रिलेटिव को लोन दिया हुआ था, इस बार ही उसने वापस कर देना है, ठीक है? फिर आपने कहा अच्छा घर में ये भी एक दो चीजें कबाड़ की पड़ी, इसको भी बेच देते हैं, उससे भी इतने पैसे आ जाएंगे। फिर देखा अब क्या सिचुएशन है, अब ये सिचुएशन है, खर्चा है 10 लाख का, लेकिन इनकम कितने की आ रही है सब कुछ बेच बाच के भी? 8 लाख। 2 लाख कहां से आएंगे? बोरो। हाउ टू ऑफसेट दिस डेफिसिट? बाय बोरोइंग। और ये जो 2 लाख रुपए, ये क्या है? फिस्कल फिस्कल डेफिसिट, विच मीन्स इज इक्वल टू बोरोइंग, ठीक है? लेकिन और इसको डीपली समझें, फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। इसको इलेबोरेट कर लो, फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। इसको और इलेबोरेट कर लेते हैं, लिखते जाओ बेटे सारे ये फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर है। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? टैक्स रिसीट्स प्लस नॉन टैक्स रिसीट्स, ठीक है? ये क्या हो गया? रेवेन्यू, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेना, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या आना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, क्या होंगी? टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स।
प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यानी रिकवरी ऑफ लोन प्लस डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन प्लस डिसइन्वेस्टमेंट। आप चाहो तो बेटे टोटल रिसीट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर भी कर सकते हो, उस केस में आपका आंसर माइनस, इस केस में माइनस नहीं आएगा क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा है ना, तो अगर उसको उल्टा लिखोगे तो वो माइनस में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? सो व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट बेटे? जब इस सब सारे टोटल को में से, इस सारे टोटल में से इसको माइनस कर दिया, इसको छोड़ के, तो आंसर यही आएगा, विच मीन्स फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज इक्वल टू बोरोइंग लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर? सो दैट्स ऑल।